बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। EDU 604 कंपैरेटिव एजुकेशन असाइनमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है, राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एंड इट्स बेनिफिट्स। कि आपने फॉर्मल एजुकेशन पे एक नोट लिखना है और उसके बेनिफिट्स बताने हैं आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर्मल एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो आपने लिख लेनी है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन विच टेक प्लेस इन इंस्टीट्यूशंस, मे बी इट्स वोकेशनल स्कूल और हायर एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज़ एजुकेशन नॉर्मली डिलीवर्ड बाय ट्रेन टीचर्स इन अ सिस्टमेटिक इंटेंशनल वे विद इन अ स्कूल, हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग यूजली टेक प्लेस इन द प्रीमिसेस ऑफ द स्कूल वेयर अ पर्सन मे लर्न बेसिक एकेडमिक और ट्रेड स्किल। द फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर, दे आर सपोज्ड टू बी एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट आल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर बोथ आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड एंगेज देमसेल्व इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इसके फॉर्मल एजुकेशन एग्जाम्पल्स हैं, लर्निंग इन अ क्लास रूम, स्कूल ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्री, प्लान एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, हैविंग अ प्रॉपर सिलेबस सिक्योर्ड बाय अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन। करैक्टरिस्टिक इसके कौन कौन से हैं, फॉर्मल एजुकेशन इस स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली, इट इज़ प्लान एंड डेलिब्रेट, स्केड्यूल, फीस आर पेड रेगुलरली, इट हैज़ अ क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम, इट हैज़ अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, द सिलेबस हैज़ टू बी कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, द चाइल्ड इज टॉट बाय द टीचर। आगे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मॉडल एंड अप टू डेट कोर्स कंटेंट्स, स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेन एंड प्रोफेशनल टीचर्स, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस। फोर्थ एडवांटेज है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल असेसमेंट आर इंश्योर टू एडवांस स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट लर्निंग। फिफ्थ एडवांटेज, इंस्टीट्यूशन आर मैनेजरली एंड फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड, लीड्स टू अ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। लास्ट वन, इजी टू एक्सेस जॉब। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेज इसलिए मैंने ऐड किए हैं क्योंकि एक तो इसमें हम एडवांटेज ऐड कर रहे हैं, दूसरा इस पर हमने नोट लिखना है, नोट में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो दोनों आ जाते हैं। सम टाइम्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यू टू लॉन्ग वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ द एकेडमिक सेशन टू प्रमोट टू नेक्स्ट स्टेज। चांस ऑफ बैड हैबिट्स अडॉप्शन मे बी अलार्मिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ गुड एंड बैड स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम। Wastage of time as some lazy students may fail to learn properly in spite of motivation by a professional trainer. Some unprofessional and non-standard education system may cause of wastage of time and money. Costly and rigid education as compared to other form of learning. तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आपने क्या करना है कि ये स्टेबल से आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपको बताया गया कि अगर आप एग्जाम्पली यानी कि इस तरह का आंसर देंगे, इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपको 8 से 10 नंबर मिलेंगे, इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपको 4 से 6 नंबर मिलेंगे, अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई तो उसमें 2 से 4 नंबर मिल सकेंगे, इस तरह आपने आंसर लिखा तो आपको 1 से 3 नंबर जो हैं वो मिल सकेंगे, नो आंसर होगा तो 0। क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन टू है, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड इन पाकिस्तान। तो इसके आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं और नीचे टेबल में उन्हें गिवन है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पाकिस्तान में कैसे इम्प्रूव हो सकती है। चेंज द सिस्टम, सिस्टम को चेंज करने से इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन सिस्टम की, इक्वालिटी लाई जाए सिस्टम के सिलेबस के अंदर, क्वालिटी लाई जाए सिलेबस के अंदर, अच्छा सिलेबस होना चाहिए, रट्टालाइजेशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, ट्रेनिंग फॉर टीचर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ आपके पास करियर काउंसलिंग होना चाहिए, टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज द स्टूडेंट डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट इन हिज लाइफ सो ही
गोज अनडायरेक्टेड पाथ एंड फेयर्स इन लाइफ, इसलिए करके काउंसलिंग जो है वो लाजमी होनी चाहिए। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एंड टीचर्स, आइडेंटिफाई वाई चिल्ड्रन आर नॉट इन स्कूल। उसके बाद आपके पास जो स्ट्रेटजी है, सेट यूनिवर्सल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर स्कूल, मोबाइलाइज पेरेंट्स। लास्ट वन आपके पास है गेट द प्राइवेट, सेकंड लास्ट वन, गेट द प्राइवेट सेक्टर टू ऑफर मोर स्कॉलरशिप, मेक प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इन चीज़ों को आपने मज़ीद एक्सप्लेन करना तो कर लें, नहीं तो आपने इसी में जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपने इसको एक्सप्लेन कर देना, इसको आपने सबमिट करवा देना। सेम नहीं करनी, लेकिन इसमें आपने चेंजिंग जो है वो लाजमी कर। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन के बारे में बताया कि आपने इसके अगर 10 मार्क्स पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको इस तरह एग्जाम्पली इस तरह का आंसर देंगे तो 10 मार्क्स, इस तरह का आंसर देंगे तो आपको 6 मार्क्स, इस तरह आंसर देंगे तो आपको 1 से 3 मार्क्स, अगर नो आंसर होगा आपको 0 मार्क्स। ये EDU 6604 का आंसर था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास इस असाइनमेंट का सलूशन जो है वो पहुंच सके और उनको गाइडेंस मिल सके कि कैसे सलूशन जो है वो बनाना है। थैंक यू।